और फिर ट्रिपल पी पर सिमट जाएगी कांग्रेस। तीन प्रश्न आपके यहाँ पर सामने आए। सबसे पहला पोल ऑफ पोल्स का आया है, अभी मैं तीन एग्जाम्पल देता हूँ। पंजाब में हमें दिखाया गया 52, हम आए 77। गुजरात में हमें दिखाया गया 61, हम आए 83। बिहार में बीजेपी को दिखाया गया 113, न जाने कहां कहां के 83। नहीं नहीं सर, अभी जो आंकड़े हमने दिखाए हैं, अभी जो आंकड़े, अभी के आंकड़ों पर बात करते हैं ना। मैं आ रहा हूं ना उसी पर, आप इतना चिंता क्यों कर रहे हैं? आप तो भाजपा से चिंता आपको करनी चाहिए सर। चिंता नहीं कीजिए, हम कर लेंगे अपने टाइम पे। बता रहे हैं चिंता कांग्रेस को करनी होगी। आजकल लग रहा है भाजपा के एंकर्स बहुत चिंता कर रहे हैं। मुद्दे की बात ये है, अच्छा मैं पोल आपसे किसी तरह के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, आलोक जी की आवश्यकता नहीं, मुझे जरूरत भी नहीं है, आवश्यकता ठीक है। आप अपनी चिंता पहले कीजिए, पर एंकर को ही बीजेपी का चेहरा बता देते हैं। आलोक जी मैं चाहूंगी बात पूरी करें। जब बीजेपी के प्रवक्ता बोल रहे थे आप एक बार भी बीच में नहीं बोले। मैं पोल ऑफ पोल पे आपके सवाल पर जवाब दे रहा हूं तो आप चार बार कूदे हैं बीच में। अरे हार रहे हैं आप तो, किससे सवाल? चलिए आप जवाब तो दीजिए। नाराज हो रहे हैं, नाराज हो रहे हैं। आप बोलिए, आप ही बोलिए। आलोक जी नाराज, आप उत्तर नहीं सुनना चाहते तो कैसे बोलेंगे हम? सर अभी चार में से मतलब ऐसा ना हो तीन हो जाए सर, इतना नाराज हो। दो भी हो जाएंगे और जीरो भी हो जाएंगे, आप चिंता नहीं करें। अरे चिंता है, चिंता है, आप बताइए ठीक है। आप अपनी बात, कोई उत्तर नहीं दूंगा अब आपका। आलोक जी नाराज मत होइए, रिजल्ट बताइए। नाराज मत होइए, रिजल्ट देखकर तो परेशान नहीं हो गया आप? एंकर अगर इसको रिजल्ट कहता है तो मैं उसका उत्तर नहीं दूंगा। अच्छा ठीक है, ठीक है, आप अपनी बात पूरी करें। एग्जिट पोल के नतीजे तो है ना, अपनी बात पूरी करें। एग्जिट पोल के नतीजे नहीं है, एग्जिट पोल अभी कोई 3 बजे का है, कोई 4 बजे का अच्छा, है। अनुमान एंकर महोदया, आप थोड़ा सा बायस होना कम करें, मुद्दे पर आते हैं। ठीक है चलिए जवाब दीजिए। देखिए पोल ऑफ पोल्स में बार बार मैं कह रहा हूँ, तीन राज्यों के मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ। अभी ये केवल पोल ऑफ पोल्स आया, अभी केवल यहाँ पर एग्जिट पोल आ रहा है, कोई 2 बजे तक का दिखा रहा है, कोई 3 बजे तक का दिखा रहा है। कुछ भक्त चैनलक जो तमाम दिन पिछले कई दिनों से मोदी नामा पढ़ रहे थे, उनके अंदर हिम्मत है कि वो कांग्रेस को जीता हुआ दिखा देंगे? आज किसी के अंदर हिम्मत थी कि गुजरात में कांग्रेस की 83 सीट दिखा देगा वो? आज देश पूरी तरह से ऐसा लग रहा है जैसे दो लोगों के कब्जे में आ गया। आज ऐसा लग रहा है कि तमाम लोग उन्हीं के पीछे चलना चाहते हैं। कर्नाटक में चुनाव प्रचार खत्म होता है तो नेपाल में जाकर चुनाव प्रचार साहब शुरू हो जाता है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है, आपने मुझे आप ही कह रहे हैं कि अभी एग्जिट पोल के आंकड़े हैं, आप इतने परेशान क्यों हो रहे हैं? मैंने चित्रा जी, इतने परेशान चित्रा जी, मैं इसलिए परेशान हुआ, मैंने आपके तीन प्रश्न का उत्तर देना चाहा, आपने बीच में रोक दिया। ठीक है आप नहीं चाहते कि कांग्रेस का प्रवक्ता उत्तर दे। लंबा भाषण दे दिया है, सवाल सुनिए। आपके ऊपर आरोप भाषण दे दिया है, सवाल सुनिए। मैं खारिज करती हूँ आपके आरोपों को, मैं खारिज करती हूँ। अगर आप हारेंगे तो सवाल पूछा जाएगा आपको, खारिज। अगर आप कर्नाटक भी हारेंगे सवाल पूछा जाएगा। अगर राहुल गांधी बिना किसी योग्यता के अध्यक्ष बनते हैं सवाल पूछा जाएगा। ये मानसिकता है आपकी, बिल्कुल गलत बोल रहे हैं, बिल्कुल गलत बोल रहे हैं, बिल्कुल गलत बोल रहे हैं। चलिए अब सवाल लेते हैं। मैं कांग्रेस के नेताओं से उलझना, मैं कांग्रेस पार्टी के किसी नेता से उलझना नहीं चाहती हूँ। आपने मोदी जी के एक सेकेंड आलोक जी, राहुल गांधी, आलोक शर्मा जी, आलोक शर्मा जी, मैं व्यक्तिगत रूप से आपका बहुत सम्मान करता हूँ, लेकिन आप मेरी बात सुनिए। जो बायस रूप है, अरे आप कितना भड़क रहे हैं, सवाल ही नहीं सुन रहे हैं। पिछले 5 सालों में 27 चुनाव हार चुके हैं आप, पिछले 5 सालों में 27 चुनाव हार चुके हैं आप, क्या बात करेंगे? चुनाव और उसके बाद सवालों और भी हारेंगे, लोकतंत्र है। हाँ तो इसको स्वीकार करना चाहिए। भाजपा 2 से लेकर 282 तक लोकतंत्र में आई है ना, परिवार की गुलामी नहीं है। बताइए आपको लोकतंत्र में आई है आप लोग? सर देखो आपको इस देश में किसी चाहिए? मुझे लग रहा है व्यक्तिगत हो रहे हैं मेरे साथ। मैं सवाल अहमदाबाद जल रहा है, लेकिन भक्त मीडिया को ये इतना, फिर ये गलत बात है आलोक जी। मैं खारिज करती हूँ आपकी बात को। नहीं ठीक है, किसी भी मीडिया को आप इस बंद से नहीं एड्रेस नहीं करेंगे। कोई भी मीडिया हो आप इस बंद से एड्रेस नहीं करेंगे। मोदी नामा पड़ता है मीडिया, बिल्कुल आलोक जी। जब मीडिया सुबह से शाम तक, जब सफलता आती है ना तो सफलता को गिराया जाता है, बैठ के मीडिया पर आरोप नहीं लगाया जाता है। औरंगाबाद में इतना बुरा हाल हुआ, ठीक है, जब तक मोदी जी की पूजा नहीं हुई मैक्सिमम चैनल्स ने उस न्यूज को ब्रेक नहीं किया। राहुल गांधी की भी पूजा करवाइए, किसने मना किया है? आप राहुल गांधी से इतना चिढ़ते क्यों? व्यक्तिगत क्या बिगाड़ दिया आपने? राहुल गांधी पैदा करिए ना, राहुल गांधी ने क्या करे आपका? राहुल गांधी ने कुछ कराई है ऐसा? मैं सम्मान करती हूँ, लेकिन मैं सम्मान नहीं करते तंत्र में जनता की ओर से ज्यादा। राहुल गांधी को ही टॉप कर रहे हैं, सुनिए दुर्भाग्य, सुनिए। अरे राहुल गांधी योग्य नहीं है, आप उससे तो सवाल ही नहीं कर रहे हैं। आप मुझसे एंकर होने के नाते सवाल कर रहे हैं तो जवाब तो मुझे देना पड़ेगा ना। आप ही मुझसे सवाल इस तरह के पूछ रहे हैं जो पूरी तरह से लगता है कि राहुल गांधी के बारे में हमसे ज्यादा। आप इनसे लिखवा के ले लो।